बिजली के झटके से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि खेती में नुकसान होने से वे कुछ दिनों से परेशान थे। मृत किसान का नाम गणेश मांडेकर बताया जा रहा है। 18 अगस्त को गणेश मांडेकर खेत से घर लौटे। जब परिवार के सदस्य घर में थे तब गणेश मांडेकर बाहर थे। अचानक एक चीख सुनाई दी और गणेश मांडेकर लेटे हुए दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें करंट लग गया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक गणेश श्रवण जी मांडेकर के पास 6 एकड़ खेत है और उन पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। उनके खेत में 2 बार पानी भर गया था। सिर्फ सोयाबीन और कपास को नुकसान हुआ है। इस वजह से उसके पिता ने कहा कि वह मुश्किल में थे। ऐसी चर्चाएं भी है कि परेशानी के चलते उसने आत्महत्या की। बिजली के झटके से गणेश मांडेकर की मौत हो गई। म्हणजे पूर गेले 2 वावरातून, तर ते त्याच्यामुळे तो त्या काम नाही करे आणि बाळाचं का भाग गेलं हे झालं असं करत नाही। त्यामुळे का परिणाम नाही केला झाला का नाही तर त्याचा काही हे नाही। तर ते आम्ही इथंच होतो, तिकडून आलो तर काय कलावत म्हणून आलो धावत ते व्यवस्थ पडला होता। हे पाहिलं तर लाईटानं ह्या लाईटाचं हे करत होतो त्याच्यानं, आणि ह्या म्हणा पूर झाले 2 तर त्याच्यानं असं भाऊ खरडून नेलं, त्याच्यानं तो असं बैताडल्यासारखा करे आग गेलं असं झालं त्याच्यानं। सावंगी मेघे पोलीस स्टेशन हद्दीतील मौजप पडेगाव या ठिकाणचे राहणारे गणेश श्रावण माडेकर हे दिनांक 18/8/2022 रोजी त्यांच्या घरासमोरील अंगणातील इलेक्ट्रिसिटीचा लाईट लावत असताना त्यांना इलेक्ट्रिसिटीचा धक्का बसला आणि त्यावेळी त्यांना उपचारकामी सावंगी मेघे रुग्णालय या ठिकाणी उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते। उपचारार्थ दाखल करीत असताना त्यांना मृत घोषित करण्यात आलेलं आहे। सदरबाबत सावंगी मेघे पोलीस स्टेशन येथे मर्ग दाखल आहे। सदर मर्गच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे। नागपूर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, झीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।